एक गीत बजा। कानपुर से एक नौटंकी आती थी गुलाब भाई जान की, हमारे बहराइच शहर में दरगाह शरीफ में। चचा गुलाब भाई की नौटंकी सुनो। हमारे दरगाह शरीफ में गुलाब भाई की नौटंकी आई, हम लोग छोटे थे तो परिवार के साथ देखने गए वहाँ मेला, तो वहाँ भाई थिएटर भी देखा। उसमें गीत गा रही थी क्या कि पान खाला मुन्नी क्या बात है। आरणीय श्री नंद किशोर माखन चोर की ओर से पूरे जौनपुर में रहे हैं कि पान खाला मुन्नी खैर नहीं बा, बोल बतियाला पैर नहीं बा, तो 3:30 बजे के 3:30 बजे वो 3:30 बजे कि 3:30 बजे मुन्नी जरूर मिलना तमाम बातें 5 के बदले 50 क्या बात है आदरणीय दादाजी, भैया दादाजी क्या बात है। श्री आजाद हनुमान पर्ची तो भूल गए कहीं नैनी प्रयाग, आपकी ओर से पुनः आपने आशीर्वाद दिया है, इस पंक्ति पर आशीर्वाद दिया है। 100 पद मुद्राओं का हृदय से आपको मैं नमन कर रहा हूँ। अरे पान खाला मुन्नी खैर नहीं बा, अरे बोल बतियाला खैर नहीं बा, तो 3:30 बज भी रहे हैं। बिल्कुल राइट टाइम के 3:30 बजे मुन्नी, 3:30 बजे मुन्नी जरूर सुनिएगा सुनिएगा। विषम पितामह का रथ उधर खड़ा है, कन्हैया अपना रथ लिए इधर खड़े हैं। आमने सामने भगवान कन्हैया ने प्रतिज्ञा किया, एक बार और मांग पूरी करो के पान खाला मुन्नी खैर नहीं बा, हमारे दादा श्री आजाद हनुमान जी की ओर से नैनी प्रयागराज की ओर से पुनः आपने 101 पद मुद्राओं का आशीर्वाद हमारे भैया अनिल भाई को दिया है, हृदय से धन्यवाद है। और आदेश हुआ कि एक बार फिर से धुन को गा दिया जाए। पान खाला मुन्नी खैर नहीं बा, अरे बोल बतियाला खैर नहीं बा, तो 3:30 बजे 3:30 बजे मुन्नी जरूर मिलना रथ। आमने सामने खड़ा है, इधर कन्हैया जी खड़े हैं सारथी के रूप में, रथ पे विराजमान है, उधर विषम पितामह है। आदरणीय कल्पना दुबे जी सुनिएगा, भगवान ने प्रतिज्ञा किया है कि मैं महाभारत युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पितामह ने प्रतिज्ञा किया कि मैं अस्त्र उठवा के रहूंगा। अब देखना कि भक्त की बात रखते हैं, भक्त का मान रखते हैं या प्रभु अपना मान रखते हैं, अपनी प्रतिज्ञा रखते हैं या भक्त की प्रतिज्ञा रखते हैं। तो विषम पितामह ने बाणों की वर्षा कर दी, घोड़ों को घायल कर दिया,
अर्जुन को घायल कर दिया, भगवान कन्हैया को भी घायल कर दिया। कहा नहीं गया तो कन्हैया रथ से नीचे कूद पड़े तो चक्र तो नहीं उठाया लेकिन रथ का पहिया उठा लिया। जब उठा लिया तो कहने का भाव है, चाहे वो युद्ध के मैदान में अगर अपने बचाव के लिए अगर एक डंडा ले लिया जाए तो वो अस्त्र शस्त्र ही माना जाता है। बिल्कुल, जब चक्र की जगह पे उठा लिया पहिया, बस त्यों ही भीष्म पितामह रथ से नीचे कूद पड़े, चरणों में गिर गए। हाँ। हो गया प्रभु, बस मैं यही देखना चाहता हूँ। हो गया, बहुत हो गया। मैंने देख लिया कि भक्त के आगे भगवान हमेशा झुक जाता है भक्त के प्रेम में, सो बस प्रणाम किया। और भागवत में कई श्लोकों में आपने स्तुति की है भीष्म पितामह जी ने भगवान कन्हैया की। सुनेगा अब मन ही मन में वार्ता हो रही है कि भगवान का नाम है अंतर्यामी, जो अंतर आत्मा की बात को जान ले। हम मन में भीष्म पितामह कह रहे हैं कि कन्हैया कन्हैया आज लड़ाई होगी। कैसे? अरे आठवें हैं आप और आठवें हैं हम। मेजर श्री पंचम लाल निषाद जी करेला बाग बालू मार्केट प्रयागराज की ओर से पुनः 21 मुद्राएं देश नमन है। सम्मान्य भैया श्री गेंद लाल जी, श्री ब्रज लाल जी दोनों सगे भाई हैं और उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज और दोनों भाइयों की ओर से आप दोनों भाइयों ने हमें आशीर्वाद दिया है। 105 मुद्राओं हृदय से नमन कर रहा हूँ। जय हो। पितामह ने कहा आठवें है आप, आप अपने माता पिता की आठवीं संतान है तो मैं भी अपने माता पिता की आठवीं संतान हूँ। आठवें हैं आप और आठवें हैं हम, और वासुदेव आप और वसुदेव हम। आप वासुदेव माने भगवान हैं और मैं आठ वसुओं में आठवां वसु देवता हूँ, जो आठ वसु कहे जाते हैं। मैं आठवां वसु हूँ और यहाँ आठवां पुत्र भी हूँ। श्राप के वशीभूत होकर मुझे मानव के रूप में जन्म लेना पड़ा तो मैं भी वसु देवता हूँ। अरे वासुदेव आप और वसुदेव हम, ब्रह्मचारी हैं आप ब्रह्मचारी हैं हम, और कि कई नारी के आप बिना नारी के हम। आपके कई नारी है 16108, हम ब्रह्मचारी हैं आप भी ब्रह्मचारी हैं। अरे ब्रह्मचारी हैं आप ब्रह्मचारी हैं हम, कई नारी के आप बिना नारी के हम। लेकिन एक फर्क है कन्हैया, क्या कि दुई अम्मा के तुम दुई अम्मा के हम। आपकी दो माताएं, माता यशोदा माता देवकी, तो हमारी भी दो माँ हैं गंगा और सत्यवती। दुई अम्मा के तुम दुई अम्मा के हम, लेकिन एक फर्क है कन्हैया, क्या के दुई बप्पा के तुम एक बप्पा के हम। आपके दो बाप है और आदरणीय मेजर साहब श्री पंचम लाल निषाद जी की ओर से पुनः 21 मुद्राएं हृदय से नमन करता हूँ। भले के तू ही बप्पा के तुम एक बप्पा के हम, तो कोई कम नहीं और कोई कम नहीं, केसो और ना है कोई कम, कोई कुछ ऐसे महापुरुष जन्म लिए हैं जैसे बलराम जी दो माता के गर्भ से 7 महीने माता देवकी के गर्भ में रहे, योग माया ने गर्भ से निकालकर रेवती के गर्भ में प्रवेश कर दिया तो 3 महीने वहां रहे। नंद किशोर माखन चोर जी की ओर से
अच्छा क्या बात है, 101 पत्र बनाए, धन्यवाद है। इनके सम्मान में आप लोग एक बार ताली बजा दीजिए। करेंगे ताली बजाने में कुछ जाता नहीं है, किसी भी कलाकार की बात अच्छी लग जाए, और हमसे ज्यादा ये श्रोता आप लोग जो श्रोता विद्वान है ये लोग महान है, तो इनके सम्मान में ताली बजा दीजिए। ऐसे ही भैया जी आदरणीय सुनिएगा, और बताया हनुमान जी पहुंच गए भगवान राम और लक्ष्मण का पता लगाने, पाताल लोक पहुंचे तो देखा दरवाजे पे द्वार पे पहरेदार के रूप में उनका ही बेटा मगरध्वज खड़ा हुआ था। रोक लिया हनुमान जी को, नहीं जाने दे रहे, लड़ाई होने लगी। अब लड़ाई कर रहा है और लड़ाई भी कर गदा चला रहा है, बोल हनुमान जी की, अब वो बजरंग बली की, अब वो गदा भी चला रहा है और हनुमान जी से लड़ भी रहा है। हनुमान जी का ठहरो भाई, ठहरो ठहरो, तुम हो कौन, कौन हो, हम ही से मोहब्बत और हम ही से लड़ाई, अरे मार डाला जुदाई जुदाई, हम ही से भाई लड़ाई कर रहे हो, हमारे नाम का जप भी कर रहे हो, कौन हो, कहा मैं पवन पुत्र मगरध्वज हूँ, नहीं क्षमा करें, मैं हनुमान का बेटा, मैं बजरंग बली का पुत्र मगरध्वज हूँ। हाँ ये देखो हमारे भाई, हमारी शादी हुई नहीं, मैं ब्रह्मचारी आदमी, विवाह हुआ नहीं, लड़का पहले पैदा हो गया। बोले तुम पैदा कैसे हुए, बोले आप जब लंका को जलाकर अपने पूंछ बुझाने सागर की ओर गए, सागर में डुबकी लगाई, जलन को शांत किया, पूंछ को बुझाई, आप पास जो सारा पसीना शरीर का है वो मेरी माता जो पूर्व जन्म में वो मेनका नाम की अप्सरा है, उनको श्राप मिला ब्रह्मा से, वो मछली हो गई वो सागर में, और मेनका चाहती थी कि हनुमान जी के द्वारा हमें एक पुत्र की प्राप्ति हो, तो वो वरदान भी हो रहा है, श्राप भी इधर सब सत्य हो रहा है और वरदान भी सत्य हो रहा है, एक पुत्र हनुमान जी के द्वारा, हनुमान जी का पसीना वो मछली पी गई जिससे मगरध्वज पैदा हुआ। तो कहा सुनेगा कल्पना जी, मगरध्वज ने कहा कि पिताजी सुनिए, अरे बंदरिया से तुम आपकी माता अंजनी को भी श्राप है, वो श्राप से वानरी हो गई, और मेरी माता को भी श्राप है, वो श्राप से मछली हो गई। तो कहा के बंदरिया से तुम तो मछरिया से हम, लेकिन एक फर्क है के तीन बप्पा के तुम तो एक बप्पा के हम, उधर तीन पिता आपके शंकर सोन केसरी नंदन पवन पुत्र हनुमान, तो कोई कम नहीं देखो और कोई कम नहीं देखो और ना है कोई कम, परम आदरणीय हमारे चाचा जी पिता तुल्य, बहुत बहुत तमाम चीजें आप लोगों ने सुना है, बिल्कुल आदरणीय द्विवेदी की ओर से बहुत कम समय में कहने लगी, मैं कुछ कहूंगा नहीं। अभी आपने कहा कि आपने कह दिया कि घबराती क्यों है, तो मुझे मैंने सोचा भाई मोबाइल में मिलाओ डॉक्टर साहब को, घबराहट ना हो जाए, और क्या ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इसलिए कह दिया था कि आप प्रश्न भी गा रही हैं, जो उत्तर बन रहा है वो भी उसमें समेट देती हैं,
अपना गाइए और क्या, कोई जवाब दे उसको भी गा रही है ताकि जवाब ना आए। बिल्कुल, तोता गाया कौवा भी कह दिया। मैंने इस बात पे कहा कि आप कोई घबराने वाली बात थोड़ी है, आज तोता कौवा वाली बात होगी पूरी। और फिर आप काहे घबराएंगे, यहाँ कोई तोप बम चल रहा है, कीर्तन हो रहा है। और कीर्तन नौ प्रकार की भक्ति में, नौधा भक्ति में एक कीर्तन गाना ही भक्ति है, सुनना ही भक्ति है। तो भक्ति हो रही भगवान की, उसमें बस चूंकि ये एक शास्त्रार्थ है, बस और कुछ नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है ना। लेकिन हाँ, किसको कितना ज्ञान है, प्रतियोगिता रखा गया है। बिल्कुल, बाकी आप ना हमारी दुश्मन है, हमारे जैसे तमाम कलाकार आपको मिलते हैं, आपके जैसे हमको भी मिल जाते हैं कभी कभार। महान कलाकार है, हम जैसे तो घूमा ही करते हैं। मोबाइल से सारा काम हो रहा है यार। आपने एक बात और कहा कि आपका स्वभाव ही बदल गया। हाँ। पहले चक्र में कुछ आप अच्छे लगे। हाँ। और दूसरे चक्र में आपका स्वभाव ही बदल गया। हाँ। रंग देखो वैसे है जैसे था। स्वभाव बदलने का मतलब, हाँ, उन्हीं पत्थरों को उठा उठा के मैंने घर बना लिया। हाय हाय, भट्ठा सारे बंद करवाने। कहना है कि छायादार पेड़ जमाने के काम आए, छायादार पेड़ जमाने के काम आए, सूख जाए तो जलाने के काम आए। तो तलवार की म्यान को वैसे न फेंकिए, हो सकता है दुश्मन को डराने के काम आए, हो सकता है। कहना है क्या कि तुम्हें जुल्म ढाने की आदत पड़ी है, तुम्हें जुल्म ढाने की आदत पड़ी है। हाँ। और हमें गम उठाने की आदत पड़ी है। हाँ। और छिड़क कर, कल्पना जी, छिड़क कर नमक मेरे घाव में देखो, छिड़क कर नमक मेरे घाव पे देखो, अरे हमें मुस्कुराने की आदत पड़ी है। बारह बजे मुस्कुराओ, खूब मुस्कुराओ। आपने कह दिया एक बात और, बारह बजे, बारह बजे, बहुत बढ़िया। अरे नोट बंदी, हर नोट बंदी की तब, और देखो बारह बजे। टोक नहीं रहा हूं कुछ ना, बस एक लाइन उसमें गलत थी। नोट बंदी 8 सितंबर को 8 बजे नोट बंदी की घोषणा हुई। ये धन्यवाद है, बज रहे थे इस पुष्टि के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। और क्या, बस ये लाइन गलत थी आपके गीत में, बाकी आपने जो कहा ठीक है। हाँ। आप लोग समझ रहे हैं, हमें कुछ टोकना नहीं है। हाँ। नोटबंदी वाली लाइन काटो, 8 सितंबर, लेकिन नोटबंदी 8 सितंबर को 8 बजे से घोषणा हुई। ये बात 8 सितंबर 2016 रात 8 बजे, 12 बजे नहीं, प्रमाणित बात करो। और एक गीत हमने आपको दिया था, कोई बात नहीं, जो है बहुत अच्छा है। चूंकि जहां पर विद्वान श्रोता हो, बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर टोका टिप्पणी करना ना गलत है, सब लोग समझ रहे हैं। हाँ। क्या मैं कह रहा हूं, हाँ, क्या आप कह रही हैं, हाँ, सुनेगा सुनेगा। चचा परेशान ना, 8 बजे है तो है। अरे तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊं, अरे तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, और बिन देखे दुनिया तुझको दिखलाऊंगा। तो क्या
पर्वत पे एक मंदिर है, ये आपने कहा है। अरे वो क्या है, एक मंदिर है और मंदिर में एक मूरत है, और वो मूरत कैसी होती है, तो जवाब आया कि तेरे सूरत जैसी होती है। भगवान पूछ रहे हैं माँ से, अरे वो क्या है, माँ ने कहा नभ मंडल है, नभ मंडल में एक चंदा है, अरे वो चंदा कैसा होता है, तो मेरे लाल चंद जैसा होता है, ये आपका सवाल गीत है। सुनेगा सुनेगा, इस चक्र में हम चंदा ही गाने वाले थे, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें ये भी चंदा लगा था और जो मैं जवाब देने जा रहा हूँ वो भी चंदा उसमें लगा। सुनिए सुनेगा, भगवान राम ने भी चंद्रमा को मैया से मांगा। आदरणीय जन समुदाय, भगवान राम ने भी चंद्रमा मांगा माता कौशल्या से, मां मुझे चंद्रमा ला दे। अरे ऐसे वैसे बहकावो ना है मैया, अरे ऐसे वैसे बहकाओ ना हे मैया, और कौशल्या माता से बोले रघुरैया, अरे वो क्या है, माँ ने कहा वही बात, अरे नभ मंडल है, आकाश मंडल, थोड़ा सा बताए आकाश मंडल और क्या, बंधु से मंडल बहुत है, देव मंडल, शोभ मंडल, संभा मंडल, लायन मंडल, अरे वो क्या है, माने कहा अरे नभ मंडल है, तो नभ मंडल में एक चंदा है, अरे वो चंदा कैसा होता है, तो माँ ने कहा कि मेरे रामचंद्र जैसा होता है। धन्यवाद है, बहुत बढ़िया, लालचंद इधर, रामचंद्र, रामचंद्र परमहंस, मेरे रामचंद्र जैसा होता है, तो वो क्या है, ये हमारी उदास। और एक बड़ा सुंदर गीत आपका आया है, और सुंदर नहीं अति सुंदर है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, 12 बजे कि आज सजा देंगे हम मिलकर, अरे आज सजा देंगे हम मिलकर तुमको ये, अरे आज सजा देंगे हम तुमको, आज उन भूलों की तेरे गले में अब डालेंगे हम माला फूलों की, तो इस गांव की रीत यही है,
और जीवन संगीत यही है, मेरे मन का मीति यही है, यही है। तो मैंने देखा, लेकिन यहां से स्मित तर्ज बदल जाती थी दादरा। और मैंने देखा ये है, और तूने देखा, मैंने देखा, तूने देखा, इसने देखा, उसने देखा, सबने देखा, क्या देखा, क्या देखा, एक दुश्मन जो दोस्तों से बस इसमें लय बदल जाती है। आदरणीय हमारे चाचा जी सुनेगा सही है ना चाचा, मान लो जो सही है वो। बहुत बढ़िया बात आप लाई है। अंदर देखा, बाहर देखा, बाहर देखा, अंदर देखा, अंदर देखा, बहुत देखा, तमाम जगह, तमाम जगह, जमुना जी की धारा देखा। अरे चित्रकूट में राम से मिलने आराम से, चित्रकूट में राम से मिलने जब है भरत जी आए आए, अयोध्या की सारी प्रजा है भगवान राम के साथ में। सुने और माता कौशल्या सुमित्रा कह गई है, और सभी लोग, सभी लोगों के मन में एक उत्कंठा है कि सबसे पहले प्रभु से हम मिले, सबसे पहले राम से हम मिले, तो मानस में बात मिलती है। चित्रकूट में राम से मिलने जब है भरत जी आए, सब चाहे एक साथ में मिलना, सब मिलना चाहते हैं, सब चाहे एक साथ में मिलना, तो राम जी युक्ति बनाए। सुने जवाब, कौन सी युक्ति? तब तब प्रभु कौतुक है दिखाए, तो और के प्रभु कौतुक है दिखाए, वो अमित रूप बनाए, सब सब मिल कर के सुख पाए, सुख पाए। लिखा है जब सभी लोग एक साथ मिलना चाहते हैं तो भगवान राम ने अनंत रूप बना लिया, सबको राम दिखाई दे रहे हैं, सामने सबके राम खड़े हैं, एक साथ सभी को राम मिल रहे हैं। हाँ। देखा माता सिया देख रही है कि वो तो माया, पति की महामाया है। देखा अरे दाएं देखा, बाएं देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, बाएं देखा, दाएं देखा, दाएं देखा, क्या देखा, क्या देखा भैया, अरे क्या देखा, क्या देखा, देखा किसी रघुबर, श्री रघुबर जो श्री रघुबर जो सब में समाए हैं, एक दूजे को नजर आए हैं, और एक दूजे में, और एक दूजे में रघुबर नजर आए, रघुबर जो सब में समाए हैं, रघुबर जो सब में समाए हैं। एक बात और देखिएगा, एक बात, अरे सेना लेकर साथ में आया, जब शूर्पणखा की नाक कट गई तो खरदूषण के पास गई, दोनों सेना लेकर आ गए। अरे सेना लेकर आया साथ में, सेना लेकर
विभूषण तो लेकर धनुष और खड़े हो गए रघुकुल के कुलभूषण। तब मायापति ने माया दिखाई, अरे मायापति ने माया दिखाई कि मायापति ने दिखाई है माया और माया में है वर माया। यहाँ भी प्रभु ने अमित रूप है बनाया बनाया। तो यहाँ देवतागण देख रहे हैं, यहाँ माता सिया देख रही है, यहाँ ब्रह्मा जी देख रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं क्या के दाएं देखा बाएं देखा, बाएं देखा दाएं देखा, दाएं देखा बाएं देखा, दाएं देखा क्या देखा क्या देखा। एक दूसरे को राम दिखाई दे रहे हैं, सामने वाला राक्षस समझ रहा है कि ये राम है, वो समझता कि ये राम है। एक दूसरे के पेट में तलवार भोंक देते हैं, सबके सब मर जाते हैं। राम खड़े रहते हैं, किसी से लड़ते नहीं, अपनी माया फैला देते हैं और माया माया के बसित भूत होकर सारे दानव मारे जाते हैं। तो देखा श्री रघुबर जो और भी प्रसंग है, एक प्रसंग और भी मिलता है। भगवान राम रावण को मार करके अयोध्या आ गए, अयोध्या में सारे प्रजावासी उनसे मिलना चाहते हैं एक साथ में। राम ने यहाँ भी अनंत रूप बनाया और सबसे एक साथ में मिले, सबसे एक साथ में मिले। बोलो साचे दरबार की जय। 12 बजे हल्लो करो, अरे बाबा नंद मखन चोर। अच्छा अच्छा, सम्मान श्री नंद किशोर जी माखन चोर कन्हैया कन्हैया लाल की जय। उनकी ओर से ज्ञान पत्र उतराए हैं, जैसे आपको नमन है। कहते रहा हूँ और आदरणीय कल्पना दुबे जी, अच्छा लगेगा आपको। गीत बजा कौन सा के कोई आया है क्या बात है वाह। कोई आया है नैना से नैना लड़ गए और कंगना से कंगना बच गए। तुम्हें नाती ऐसे पुत पुतली जैसे, मैं नाती ऐसे आए कट पुतली जैसे। अरे दूजा कोई हो तो मचा दूं मैं शोर। आया 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 अतरिया पे कोई छोर। आया बैरी बलमो पोच
चुप रहूं मैं बैरी बलमो तो चुप रहूं मैं, और दूजा कोई हो तो मचा दूं मैं शोराया आया अतरिया पे कोई डर गई मैं के मर गई मैं के आया आया। श्री हनुमान जी महाराज मुद्रिका को लेकर के पहुंच गए अशोक वाटिका में। एक गुप्त रहस्य बता तो दिया, जाकर चूंकि माँ सीता आपको पहचानती नहीं है, बस जाके बता देना राम भक्त में मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की पहचान जाएंगी। लेकिन उससे पहले हनुमान जी पहचान गए, देखा माता सीता अपने दोनों चरणों में जो चरण चिन्ह है उसे देख रही हैं। उसी को क्यों देखती हैं? क्योंकि जो भगवान श्री राम के दाएं पैर में जो चरण चिन्ह है वो माता सीता के बाएं चरण में वो चिन्ह है, 24-24 चरण चिन्ह वही देख रही हैं। कि भगवान के चरणों की सेवा करते हैं हनुमान जी, वही चरण चिन्ह देख लिया, दाएं बाएं बाएं दाएं, बस पहचान गए और जाके प्रणाम किया। माता सीता ने संदेह किया, हाँ। रामदूत हो नहीं सकते, तो कहने में रामदूत हूँ, तो अगर आप रामदूत हैं तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार, मानस में बात नहीं मिलेगी लेकिन वाल्मीकि रामायण उठाइए तो देखेगा, उसमें लिखा है कि हनुमान जी से माता सीता ने सवाल कर दिया, क्या आप रामदूत हैं तो उनका जीवन परिचय बताइए, उनके शरीर में कहाँ कहाँ कौन कौन से चिन्ह हैं वो आप हमें बताएं। हाँ, सुनेगा हनुमान जी कहने लगे, सुनो मैया क्या सुनेगा के फोर्थ पन आया है क्या बात है, बहुत सुंदर, कोई जोर नहीं तुम्हारा। पन आया है तो फोर सुत पाया है मारा दशक, जब चौथा पन आ गया फोर्थ पन चौथा पन आ गया तो चार पुत्रों की प्राप्ति हुई, पुत्रेश ने किया आओ। फोर्थ पन आया है तो फोर सुत पाया है, और फोर्थ पन आया है तो वन प्लस थ्री बी फोर, वन प्लस थ्री बी फोर, एक राजा उनके तीन रानी, वन और थ्री मिला के चार, राजा मिला के चार हो गए, तो कहना वन प्लस थ्री बी फोर तो वो फोर और उनके फोर, वो चार पति पत्नी मिलके चार तो उनके चार पुत्र, और चार पुत्र तो चार बहुएं भी लेकर के आए, तो फोर भाइयों को कोई फोर नहीं पाया, फोर भाइयों को कोई फोर नहीं पाया, और शादी के बाद बहुएं आई फोर तो प्रभु के पावन में, प्रभु के दोनों पावन में, पावन माने चरण और पावन माने पवित्र, तो प्रभु के पावन में पावन चिन्ह 24 प्रभु के पावन ट्वेंटी फोर
24 चरण चिन्ह है, 24 × 48। उसके बाद कहा कहां उनके कौन अंग कैसे हैं, तो 4 अंगों का वर्णन किया। लिटिल अंग पाए 4, 4 अंग छोटे हैं। कहना गला, लिखा गला फिट दोनों पिंडलियां। और लिटिल अंग पाए 4, भाल रेखाए 4। त्रिवली अगर बनती है तो उसमें 4 रेखाएं बन जाती है। और भाल रेखाएं 4, तो बाल लीला किए 14। बाल लीलाएं 14 और वनवास पाए 14। 14 वर्षों का वनवास मिला और सुंदर सी काया में। कपोल, भुजाएं, जांघे और घुटने, तो अंग बराबर पाए हैं 4, तो प्रभु के पावन में और पावन चिन्ह 24। और गति नायक हैं, 4 प्रकार की चाल चलते हैं, जैसे सिंह, बाघ, हाथी और सांड। मैंने कराई है वाल्मीकि रामायण गहरी है भैया। और फोर गति नायक हैं, 4 फलदायक हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 फल को देने वाले हैं। 4 गति नायक हैं, तो यश गीत गाए वेद 4। 4 वेद उनकी इस गीत महिमा को गा रहे हैं। 18 पुराण तो अलग है, 4 वेद उनकी महिमा गा रहे हैं कि यश गीत गाए वेद 4, और भुवन हर्षाए 14। 14 भुवन हर्षाए उनकी कृपा से, और बरसात तुम्हारी तो व्याकुल रघुनाई। सुग्रीव से मिताई हो गई, सुग्रीव को राज तिलक कर दिया। 4 महीने बरसात के बीत गए, जब मिलने नहीं आया तो लक्ष्मण को भेजा कि बरसात तुम्हारी तो व्याकुल रघुनाई। और प्रबंसक पर्वत पर और गिरी पे बिताया है माह 4, तो रमन नामों में के रमन नामों में, अरे रमन नामों में पाया अंक 54। 54 नाम में सीता, सीता के नाम में 54, राम के नाम में 54 अंक, 54 × 108, 108 की माला होती है, 108 ब्रह्म में अंक मिलता है। तो रमन नामों में पाया अंक 54। सुनिएगा